देवास जिले के निमावर में विगत दिनों हुए जघन्य हत्याकांड में कास्ते परिवार के 5 सदस्यों की निर्मम तरीके से हत्या कर आरोपियों द्वारा गहरे गड्ढे में डाल दिया जाने की दहला देने वाली वारदात को लेकर देश भर में आक्रोश है। ऐसे में धार में भी हिंदू युवा जनजाति संगठन द्वारा मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर के लिए सिटी मजिस्ट्रेट धार को ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें संगठन ने मांग की है कि हृदय विदारक इस घटना को अंजाम देने वाले सभी 18 आरोपियों को उक्त प्रकरण में फास्ट ट्रैक कोर्ट के माध्यम से कार्यवाही कर फांसी जैसी कठोर मत सजा दी जाए। भैया आज आपने ज्ञापन दिया है, क्या है पूरा मामला? ये देवास जिले के निमावर की घटना है, जो आदिवासी 5 युवकों को मार के 10 फीट खड्डे में गाड़ दिए, उसके लिए मुख्यमंत्री के नाम से ज्ञापन दिया गया है। उचित कार्यवाही करें, मुआवजा दें और फांसी की मांग करी गई। अच्छा, आपकी मांगे नहीं मानी जाती तो आगे आगे उग्र आंदोलन करेंगे पूरा प्रदेश भर में हिंदू युवा जनजाति संगठन। आपका नाम बताइए। सुनील वसुनिया, हिंदू युवा जनजाति संगठन, जिला अध्यक्ष धार। क्या है प्रॉब्लम? ये मामला नेमावर में जो आदिवासियों को मार के गड्ढे में गाड़ दिए गए थे, उनके लिए हमने हिंदू युवा जनजाति संगठन द्वारा ज्ञापन दिए जा रहा है धार में कलेक्टर महोदय के नाम से और मुख्यमंत्री जी को। हमारा ये कहना है कि जिन आदिवासियों को बहुत बुरी तरह से मार दिया गया है, उनको कड़ी से कड़ी सजा उनको मारने वालों को मिलना चाहिए। और जो परिवार 80 गरीब था, आदिवासी था, उनको शासन द्वारा मुआवजा दिला जाए और 18 व्यक्ति जो है उसमें मुजरिम, उनको ऐसी सजा दी जाए ताकि कभी ऐसा मामला दोबारा ना हो। और अगर ये सजा नहीं दी गई है या फांसी की सजा नहीं दी गई है, तो इस संगठन के मार्फत हम पूरे प्रदेश में बहुत जोर शोर से विरोध करेंगे और जगह जगह हम इसका संगठन द्वारा हर जगह ज्ञापन भी देंगे, उग्र आंदोलन भी होगा और हो सकता है इसके आगे कुछ हो जाए, वो हम नहीं कह सकते। जय हिंद, जय भारत।